उम्मीद करते हैं कि आप कैरियर से अगर बंद आएगा, आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में तो किट्टूरा की वीडियो है, रोस्टर पाकिस्तान का, जो शहबाज शरीफ लेकर गए थे आम तुर्की में। तो देखते हैं वीडियो। और ये क्या कर रहे हैं? ले लो आम, ले लो आम, 100 का 1.5 किलो आम ले लो। आम के गुस्से को बढ़ाने का बल्कि सबब बन रही है ये। पता नहीं क्यों 25 करोड़ के मुल्क की बेइज्जती करवाने पर तुला हुआ है। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मजबूरी है। वहाँ पे क्या सोचा था, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्या, वहाँ पे माधुरी दीक्षित गाना गाएगी, मेरा पिया घर है। ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला। तो होगा तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपके इतने प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग के लिए थैंक यू। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि रिप्लाई करने की, लेकिन सबको नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा आपके कमेंट्स आए हुए हैं। तो जिनका रह गया है उनको सॉरी यार, प्लीज अपने दिल पर मत लेना, किडनी पर ले लेना। ओके थैंक यू। बस अगर इंडियंस के पास आम का बगीचा हो और सीजन का पहला आम लगा हो तो वो क्या करेंगे? भेंट के तौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी अपने गॉड को भेंट चढ़ाएगा। बात तो सही है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आम तो फेमस है ही, लेकिन वो सीजन का पहला आम किसे देंगे? सोचो, जिन्ना की मूर्ति पर। अरे नहीं नहीं, जिन्ना नहीं, गांडू किधर गए? किट्टू भाई, किट्टू भाई को पाकिस्तानी अपने सौतेले अब्बू, चाइना के प्रेसिडेंट जिंग पिंग चोंग जो भी है यार, उसको देंगे सीजन का फर्स्ट आम का टोकरा और बोलेंगे बदले में भर दो हमारा भीख का कटोरा। आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं। कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई, बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए। कोविड तो एक बहाना था, उनको भी पता है कि भाई ये आम कितने महंगे हैं, इसलिए वापस कर दिए। इससे बुरी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए भला और क्या हो सकती है? इसे कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। शहबाज शरीफ उर्फ भगोना शरीफ अपना आम का टोकरा लेकर पहुंच गया है कहाँ? तुर्की। सैर सपाटे किए चले जा रहे हैं और सैर के जा रहे हैं मुजरा को। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश करी थी कि आप तुर्की मत जाना एर्दोगान से मिलने के लिए, ये बहुत उछल उछल के ना पॉपकॉर्न जैसा होता है ना, पॉपकॉर्न आपने देखा होगा, वो मक्के के दाने डालते हैं फिर वो टुंग टुंग करके ऊपर उछलता है। ये वहां पे गया, क्या बात है, इसको घास नहीं डाली एर्दोगान ने। ये फोटो देखिए, ये देखिए, ये भाई गले मिलने के चक्कर में है, ये लपक रहा है उसकी ओर कि तू मुझसे गले मिल जा। सिर्फ गले नहीं मिला सर, किसी भी कर ली जबरदस्ती। शिबाशिव साहब क्या कर रहे हैं? अश्लील है ये बुड्ढा। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई। तो शेर अर्ज किया है शहबाज शरीफ साहब के लिए, शेर बशीर बद्र साहब का है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। वाह क्या बात है सर, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती और इस दौरे पर शहाना ठाट बाट के लिए पूरे पाकिस्तान के आम बांटे जा रहे हैं, आम लुटा रहे हैं और फिजा बेचारी से देखा नहीं जा रहा यार। एक तरफ पूरा मुल्क एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजुर्ग के साथ गैर मुल्की दौरों में आम बांट रहे हैं। पाकिस्तान के सारे आम की क्या चल रही है? बंदर बांट। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चल गया यार, कैसे आम देकर आ गया ये शहबाज शरीफ। इसकी जितनी मरम्मत की जाए, जितनी मरम्मत की जाए उतनी कम। बेचारों के पास एक आम ही तो थे, वही चूस चूस कर पेट भरते थे, उनको भी बांट दो। फिजा का दुख कभी खत्म नहीं होगा। आई लव यू फिजा बीबी। एर्दोगन भी सोच रहा होगा अरे चला जा यार, अब क्या लात खा के जाएगा। पहली रो में भी नहीं, इसको दूसरी या तीसरी रो में बैठाया,
क्योंकि उनको पता था मांगने आए। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये क्या सोच कर गया था वहाँ पे तुर्की? आम का टोकरा बेचने गया था। अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम है ये, जिनकी जगह साई हो रही है। जमा बेगैरत वहियात इंसान है, इसके ऊपर बायसे फखर है। भगोना शरीफ, आम के बदले तुझे क्या चाहिए? प्याज आ जाए और टमाटर आ जाए। बेसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ओहो, बस मुझे लगा $2-3 billion तो मांगेगा यार। कैसे बता रहे, क्या था इसमें, क्या अचीवमेंट थी बताएं? हाफ हाफ बंटवारा करके दे रहा है, वो क्या छोटे बच्चे हैं जो जिद करेंगे? एक काम कर तू वेले इंसान, इनके घर चला जा और काट काट कर खिला इनको एक एक टुकड़ा, उसके मुंह में उसके मुंह में। ये है पाकिस्तान के वजीर आजम, कितने वेले इंसान, लाचार बेबस। बम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपकी तो अपनी क्यादत लंदन में बैठकर फैसले कर रही है और पाकिस्तान आने पर आमादा ही नहीं होती, इनका दिल ही नहीं मानता। मियां साहब को अपने दरमियान देखना चाहते कि मियां साहब आ जाए, मैं इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब नहीं आते कि मियां साहब तशरीफ ले आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मियां साहब आ जाए, हम मुंतजर हैं। ओए होए, फिजा की पुकार सुन ली मियां साहब ने और मियां साहब ने फैसला किया है पाकिस्तान लौटने का और हुकूमत करने का। ये देखो, नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुत्तफिका फैसला कर लिया गया। अपील मंजूर होते ही नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। है ना अजीब सा उसूल। एक तरफ पहले फिजा खान आरोप लगाती थी, आज वही इंसान फिजा पर हुकूमत करने आ रहा है। यार ये फिजा का दुख का ही खत्म नहीं होता। मेरी फिजा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, आई लव यू फिजा। ऐसे नहीं चलेगा। फिजा, ये तेरे पापों की सजा मिल रही है, तूने जितना इंडिया को गाली दी है ना, उसकी सजा है ये तुझे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिजा, मियाँ जी आने वाले हैं, आप गाना गा। जरा सुनिए। मेरे पिया घर आए हो राम जी। लंदन के कैफे में मुस्लिम इग्नू के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ। नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया है, कायद नून लीग महफूज रहे हैं, हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यार एक तो ये पता नहीं गेंडे की खाल के बने हुए होते हैं क्या, बच जाते। इमरान खान पर अटैक हुआ वो बच गया, नवाज शरीफ पर हुआ वो बच गया, लेकिन पाकिस्तानी आवाम दुखी मना रही हो गई कि ये चोर डाकू। कैसे बच गया यार? मियां शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उस पर फिजा बीबी क्या बोलोगी? कौम दुआई कर रही है कि अल्लाह बचाए। ओए होए, इतना गुस्सा, कौम का गुस्सा कैसे बर्दाश्त करेगा ये चोर डाकू। नवाज शरीफ की जबान फिसल गई, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने का किस्सा सुना रहे थे। ओरे बाबा, एक पेश करता हूँ कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपए था। अच्छा, पेट्रोल 65 रुपए किलो था। एक तो ये पाकिस्तानी है ना, केजी लीटर इनमें फर्क ही नहीं बताते यार, क्या अंतर होता है। जो थोड़ी एजुकेशन वगैरह दो अपने नालायक लीडर्स को। ठीक है, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे तो डाउट है, शहबाज शरीफ आम लीटर में लेकर गया था कि केजी में, और शहबाज शरीफ तुझे प्याज और टमाटर लीटर में चाहिए केजी में, कैसे बोला कर यार, डाउट होता है कितने केजी कितने लीटर। तो क्रिकेट्स ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय क्रिकेट्स। वाह वाह, क्या बात है सर, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी जा गाना गा, मेरे पिया घर आए। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब क्या रोस्ट था आज, ये तो शहबाज शरीफ जो आम लेकर गए हैं तुर्की में, सोचा कि टोकरी टोकरी भर के लेकर गए हैं कि चलो आम देखे। यहाँ पे एक रिवाज भी है ना कि जब कोई किसी घर में चीज देने जाता है तो सामने वाला उसको खाली नहीं भेजता, वो सामने से कोई ना कोई चीज भेज देता है उसमें जा के। तो उन्होंने हमारे, लेकिन सामने वाले कोई ना कोई मीठी चीज भेजता है तो हम भीखे थे, मीठी हो या जैसी भी कोई ना कोई चीज भेजता है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस चीनी वगैरह हो जाती है। तो ये शहबाज शरीफ का मकसद था कि 5-6 टोकरियां ले जाता हूँ, वहां पे कुछ मिल जाएंगे पैसे,
लेकिन वो आइडिया गलत हो गया। इतनी एक कॉमी फल था भाई, उसकी तो डिसरिस्पेक्ट हुई ना। काश इस फल के अंदर कुछ और भी रखा जाता। उन्होंने तो वो कबूल ही नहीं किया। तो क्या वाला सीन बन जाता। तो कबूल ही नहीं किया। अरे अंब वो हां वो वाला सीन रहता ना इन सभी का। अरे नहीं 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 करना चाहिए। धजिया अपने भी उड़ा रहे हैं और अपने कंट्री के अपने कैसे धजिया उड़ा रहे। भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, अगला नाम तो मुंह लगा है, क्या बेचारों का कसूर है। तो आप मांगने की घर बैठे हो, वो मांगने की आप मांगने वाला लेकर जाएंगे भाई साहब। आगे वाला ऐसे आपके साथ रवैया करेगा और क्या करेगा। खान साहब ने एक घड़ी ली थी तोशाखाना से, अब ये अगर तोशाखाना से उनके लिए तोहफा को ले जाते तो सारी जिंदगी ये जेल काटते। अभी ये गए उधर, अभी आप आम्बो पर जेल तो नहीं ना काटनी पड़ेगी। मैं हो सकता है शायद इन पर इसका भी केस बन जाए। आम क्यों लेकर गए। जिनकी इज्जत नहीं होती ना उनकी ऐसी होती है। वो इज्जत वाले भाई कुछ कंट्री की कैसे चलना है। तेल लेने का तो मांगने से चलना है भाई साहब। मांग के चलाएंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कर सकते हैं खुद। इंटरनेशनल मैं बताता हूँ सब। कब तक भीख मांगते रहे, कब तक आप लोगों को वो लोग देते। जब तक सांस है जब तक सांस देंगे तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। और किट्टू राव साहब आपको अच्छे से जलील करती रहेगी। नहीं हम खुद कुछ नहीं कर रहे। हम तो इतने बड़ा किसी बढ़ने वाला नहीं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे। कर रहे हैं बहुत कुछ। कुछ भी नहीं कर रहे। अरे मांगता तो खुद ही है भाई। किधर से मांगा है। तुर्की से मांगने वो अपनी अय्याशी के लिए खुद के लिए मांग रहे हैं। हमारे लिए तो आपके लिए कौन सा मांग रहे हैं। नहीं तो किसी और को भेजा हमने मांगने। खुद ही तो जाते हैं। तो मांगते भी ढंग से ना। वो जिस तरह गले से लगा रहे थे बीवी की सिफारिश इससे बढ़कर और मांगने का कहते हैं। कोने वाले है ना, कोने एक कोने में उसको खड़ा किया गया है। भाई साहब आपकी जय औकात है। नहीं भाई साहब ऊपर से जात भर के कहा है। दुनिया के मसाइल बहुत ज्यादा है, मुझे और लोगों की बातें सुन लेने दो। तुम्हारे मसले का मुझे आ रहे नहीं पता है। कोने में एसी लगा हुआ था, गर्मी है। पैदल चल कर आया है एसी है, ठंडी ठंडी लगेगी वहाँ पर। वही मैं बोल रहा हूँ, इतने दूर से पैदल चल कर इंडिया है। तुर्की गए तो उन्होंने एसी के सामने। ये जो आम वापस आया ना, इसमें मुझे इंडिया की साजिश लगती है। बिल्कुल हो सकता है वो आर्टिफिशियल आम हो, उसके अंदर पैसे हो। पैसे क्या बात है, क्या पकड़ता है भाई, पकड़ता है बंदा ये। कि वो जो पेटीएम बोला हो गए आम वापस आए, वो पेटीएम डॉलर की भर के लाए हो और वो किसी को बताया भी नहीं, कानो कान खबर भी नहीं। सीधे ही ले जाएंगे अपने लिए लेकर आए। कौन सा आवाम के लिए लेकर आए। सही सही। अगर आवाम को पता चल जाता हमारे लिए लेकर आएगा भाई साहब, वो भी मांगे। अच्छा नवाज शरीफ अब फिर वापस आकर आए हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। हो सकता है जस्टिस साहब ने आज से दो हफ्ते पहले ये कॉल दी थी, जो नायल हो चुका है ना पहले, उनके लिए दो महीने का टाइम, उसके अंदर अपनी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, वो एड हो सकते हैं। तो ठीक है दो महीने, फिर इमरान खान भी कर दे, ये भी नायल है तो वो भी। अब देखते हैं किसका। इमरान खान पहले अपने केस तो भुगते, नहीं तो वो दरख्वास्त दायर कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अभी वो एक बंदा ना आयल था, अभी उसको आयल कर देंगे। ये क्या पाकिस्तान के अदालतें भी दोगलापन दिखाने में बाज नहीं आ रही। दोगलापन जिसने वो नई पार्टी बनाई है वो भी ना आयल ही था। यू टर्न भाई, उसको इमरान खान ने नायल करवाया था। जहांगीर और इन दोनों ने भाई साहब दरख्वास्त दायर की है। उन्हें पता है पाकिस्तान है सब। अब राज इन दोनों का, भाई साहब क्या कर सकते हैं। फिजा खान सही बोल रही थी कि भाई आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है तो बिल्कुल ठीक है। भिखारी को कौन पूछता है। एक तो कहता है नहीं, शहबाज शरीफ का ये डायलॉग एक तो कहता है हम आपके पास आए हैं, पहले भी हम आते रहे हैं, आप हमारे बड़े अजीम भाई हो, पहले भी जब सालों में आपने किस तरह हमारी मदद की है, मदद की है अब भी कर दो, तो कोई नई बात नहीं। तो जब एक चीज नॉर्मल तरीके से चल रही होती है तो उसको चलते रहना देना चाहिए। वो अगर वो बंद हो गई तो खराबी पैदा हो सकती है। ऐसी बात इस तरह के हमारे जो हुक्मरान उनके जो दिमाग है ना, जब ये मर जाए उनके दिमागों को भाई साहब आपने अजायब घर में रखना है। नहीं 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 और किधर रखना है। वो किसी को बंदे को भिखारी को लगा दे फिर अच्छे से भीख मांगेगा भाई साहब। वो इस्तेमाल अच्छा लगा ये बात भाई साहब ने बहुत अच्छी। ओ भाई डॉलर दिनार आपका मन,
आपकी सोच वो भीख मांगने वाली नहीं, उससे ऊपर भी आप लोगों ने दिनार, अरबी दिनार, कौन कौन से दिनार मांगे, दिनार मांगने में तो ज्यादा एक्सपर्ट होंगे जी। आप भाई साहब इनको बता, इसका दिमाग निकाले और किसी भिखारी में डाल दे और भेज दे। आप दुनिया जान चुकी है आप लोग किस तरह का खिलवाड़ उनके साथ कर रहे हैं, IMF के साथ कर रहे हैं, जो आपके कंट्री मुल्क है मुस्लिम उनके साथ, या आपका जो दोस्त बरदर ममालिक है उनके साथ, जिस तरह आप कांड कर चुके हैं वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं की हम बिल्कुल शरीफ है और हम शरीफ। आप लोगों को भाई साहब आप खुद ही अपने पाँव पर खड़ा होना, और भाई साहब हमने मांगना छोड़ कर दिया है, कोई हमने कुछ गलत नहीं किया, वो जीते थे इसलिए हमने उनकी इज्जत के लिए अपना इज्जत की है, उधर जाके मुबारकबाद दी, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे मांग लिए, जितना हम खर्चा करके वो ही वापस तो हक बनता था हमारा, हाँ वही वापस करते, हमें आज के बाद उधर जाना भी नहीं, जब बेइज्जती करते गले मिल रहे हैं भाई प्राइम मिनिस्टर, हम छोटे मोटे बंदे थोड़ी है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वाले प्राइम मिनिस्टर है, को मोदी सर थोड़ी है जो जाएगा तो लोग उसको सल्यूट करेंगे, बॉस बोलेंगे, और अरे वो सब चापलूसी है, असल लीडरशिप यही है। देखो तगड़े को तो हर कोई गले लगा लेता है भाई साहब, कमजोर को लगाया तो मजा आता है, असल तब लगती है जब गुर्बत में जो आपका साथ देना तब अच्छे दोस्त होते हैं जी, ठीक है। तो गुर्बत में उन्होंने छोड़ तो दिया साथ, अरे भाई कश्मीर वाली मीटिंग में गए, कश्मीर वाली मीटिंग में गए, चाइना गया, ये होते पक्के यार, वो जब हालात अच्छे होते हैं तब तो चाइना तो आपने ना सीख पैक के जरिए वो आम भेजे, बताओ वो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ हमारे जितने भी यार है पक्के यार है, ऐसे दोगले यार नहीं ना जी, ना अगर हालात अच्छे रहे तो यार बुरे हो तो छोड़ के भाग जाए, नहीं 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 भाई साहब हमारे पक्के यार हैं, चाहे बुरे हालात में हो तो भी साथ देते हैं, जो मर्जी हो अपने आप को दिलासा देते रहो, भीख मांगते रहो, जलील होते रहो, ये तो हमारा काम है, आप लोगों का मिशन बन चुका है, एक बंदे का पेशा है तो वो करते हैं, आप लोग दरअसल ना रोटी हजम नहीं होती, जब आप हमें पैसे मिल जाए तो कहीं से हम प्राउड फील करते हैं और उसका मुबारकबाद देते हैं कि भाई मुबारक हो पैसे आ रहे हैं डॉलर आ रहे हैं, तो अभी तक आए ना, ठीक है भाई साहबदार जो है आते हुए कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, पैसे आ रहे हैं डॉलर आ रहे हैं, कोई बात नहीं बातचीत होगी, हम सारे मामला क्लियर हो गए डॉलर मिल जाएंगे तो हम अब इसी पे खुश हो जाते हैं, तो ठीक है भाई अपनी रात रुकते कॉम्पर्स में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।